नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं आफिफा मलिक। टीम इंडिया ने खूब मेहनत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली है और इस तरह अब टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री कर चुकी है। इस साल शुरुआत से ही लगातार एक के बाद एक सीरीज जीत कर उन्हें अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग ऑर्डर दोनों में ही बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर रही टीम इंडिया ने खूब तारीफें बटोरी। एक एक प्लेयर ने हर तरह से दमदार परफॉर्मेंस देते हुए टीम इंडिया को इतना ताकतवर बना दिया है कि ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया एक स्ट्रांग टीम बन गई है। ओडीआई, टी20 फॉर्मेट हो या टेस्ट सीरीज हो, ग्राउंड पर टीम विजेता बनकर उभरी है और इस तरह साल 2023 इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी लकी साबित हुआ है। बैक टू बैक सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं और मैन इन ब्लू अब वर्ल्ड कप के लिए मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि रोहित शर्मा की टीम जिस लय में है अभी उसे बरकरार रखा जा सके और इसी तरह जीत की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड कप अपने नाम कर ले। बीते साल टीम इंडिया की सुस्त परफॉर्मेंस एक बड़ा मसला बन गई थी। मैनेजमेंट से लेकर फैंस तक सब हैरान परेशान थे कि रोहित शर्मा की टीम को क्या हो गया है। कैप्टेंसी हो या इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, सब सवालों के घेरे में थी। किसी की बॉलिंग को लेकर बातें बन रही थी तो कहीं बल्ले से रन ना निकलना एक सीरियस प्रॉब्लम थी। विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, सबके ऊपर उंगलियां उठ रही थी। एशिया कप ना जीत पाना, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री ना कर पाने को लेकर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत सी बातों के लिए जवाबदेह हो गई थी। लेकिन 2023 से हुई धमाकेदार शुरुआत ने सारे जवाब देते हुए साफ कर दिया कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितना पोटेंशियल है। चाहे टीम के सीनियर खिलाड़ी हो या युवा बल्लेबाज और फ्रेश टैलेंट हो, सब ने अपनी अपनी चांस आने पर वो कर दिखाया जिसका एक लंबे वक्त से पूरे इंडिया को इंतजार था। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल की डबल सेंचुरी, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और फाइनल T20 मैच में सूर्य कुमार यादव की धमाकेदार बैटिंग हो, KL राहुल की वापसी हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में T20 कैप्टन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के स्किल्स हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरी हो, टेस्ट मैचेस में चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर की काबिले तारीफ बैटिंग हो, मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी हो या शमी का विकेट गिरना हो और उस पर रविंद्र जडेजा की शानदार वापसी, हर तरह से रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। वो बतौर कैप्टन पूरी तरह से टीम को खूब संभाल रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में हेड कोच राहुल द्रविड़ की सूझबूझ, जो इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर तरह से सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। इन सब के बाद टीम इंडिया एक बेहतरीन अंदाज में उभर कर निखर कर बाहर आ रही है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। टीम को वर्ल्ड कप से कम 14 वनडे मैच खेलने हैं। इनमें 9 द्विपक्षीय सीरीज के और 5 एशिया कप के मैच होंगे। अगर भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचता है तो इस तरह एक मैच और बढ़ जाएगा। स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 17 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। सब सही रहा और बोर्ड की सहमति मिली तो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने जा सकती है। एशिया कप के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 3 मुकाबले की एक और सीरीज खेलेगी। अब बस उम्मीद ये है कि टीम इंडिया अपनी इस परफॉर्मेंस को ऐसे ही बरकरार रखे ताकि अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में मैन इन ब्लू जीतकर अपने हाथ में ट्रॉफी उठा सके और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का इतिहास दोहराया जा सके जो 2011 में किताबों में दर्ज हुआ था। अभी के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स की और खबरों के लिए जुड़े रहें आज की खबर के साथ।